अभी हम देख सकते हैं समलई मंदिर। समलई मंदिर में आज वाजपेयी जी का जन्मदिन और श्रद्धांजलि दोनों तरफ से दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के श्री गिरीश पटेल जी और उनके सारे के सारे महिला मोर्चा हर कोई यहाँ पर मौजूद है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले पूजा पाठ की गई, अगरबत्ती लगाई गई और माँ समलई जी उनकी आत्मा का शांति के लिए यह मनाया गया। आइए मिलते हैं गिरीश भाई से। सर आज वाजपेयी का जन्मदिन है, पूरे भारत में मनाया जाए, असाधु श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। गिरीश पटेल जी सर इसके बारे क्या बोलना चाहेंगे? आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है। आज के दिन के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरा भारतवर्ष में सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सवेरे हम लोगों का कर्तव्य था सुशासन दिवस का शुरुआत वहाँ समृद्ध का आशीर्वाद लेके किए हैं तथा वाजपेयी जी हम सबके हृदय में है। वाजपेयी जी अमर है, उसकी मृत्यु होने के बावजूद भी वो हम सबके हृदय में जिंदा होके हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे सुशासन दिवस के हिसाब से मनाया है। आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, इसके बाद अब पार्टी ऑफिस में ब्लड डोनेशन कैंप है, बुरला में ब्लड डोनेशन कैंप है, हीरापुर में ब्लड डोनेशन कैंप है, बुरला में ट्रेनिंग कैंप का कार्यक्रम भी अब शुरुआत हो रहा है। शाम को 6 बजे कवि सम्मेलन है। ऐसे दिन भर आज बाकी कुचिंडा में रणाकों में सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, जिसको हम लोग सुशासन के दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमने देखना बीजेपी की तरफ से हर तरफ से आज वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया गया, श्रद्धांजलि भी देगी। आज यह जो कार्यक्रम पूरे भारत में हो रहा है, आज संबलपुर में तो कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।